मैं धीरे से हाथ ऐसे लेके जाता हूँ भाई, मार दी यार पूरे 6 मुर्गियां इसमें बैठे हुए। दोस्तों अभी ये 2 मुर्गियों को ला लिया हूँ मैं, वो वाले अंडों पे बिठाते। अर्ली मॉर्निंग में फार्म के पास आया हूँ तो ये वाली मुर्गी हमारी यहाँ पे डब्बे में खुड़क बन गई है। क्यों, कैसा पता चल रहा है मुझे ये खुड़क बन गई बोल तो, इतना पास लेके जा रहा हूँ फिर भी उठ के नहीं भाग जा रही है ये। और एक एक दूसरा मैं धीरे से हाथ ऐसे लेके जाता हूँ भाई, मार दी आ रही है। तो चलो इसको हम अंडों पे बिठाते, अगर अंडा देने के लिए बैठी है तो अभी तक भाग जाती मेरी आवाज़ सुनकर। नहीं है ये, इसीलिए हम इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, इसको अंडों पे बिठाते हैं। और दूसरी मुर्गी यहाँ पर, ये वाली हमारी दूसरी है, इसके ही जोड़ को और एक बैठी थी। फिलहाल तो पीछे पूरे टायरों में, यानी उधर 4 इधर 2, कितने पूरे 6 मुर्गियाँ इसमें बैठे हुए, और इसमें जगह नहीं है बिठाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये वाले पार्टीशन में, इधर के पार्टीशन में बिठा देते हैं अभी। ठीक है, ये वाला भी खाली है, और दूसरा ये वाला भी थोड़ा डिसीज आए तो बर्ड्स रखे हैं, ये भी खाली है। उसके बाद इधर का भी खाली है, इसमें चूजे लगेंगे। ये वाले मुर्गियां जो चूजे निकालेंगे तो एक मुर्गी के साथ ये वाला पार्टीशन दे देंगे उसको। अभी यहाँ पर हम इसमें अंडों को बिठाते, वो दीवार के लंबन से लेके आता हूँ मैं बिठा लेते। चलिए अभी जल्दी जल्दी से हम रेडी कर देते हैं। दीवार के साइड पे 2 टायर, कार के टायर इस तरीके से रख लिया मैं। इसके ऊपर घास, जो धान का घास रहता है, ये घास को मैं टायर के अंदर डालकर उसको अच्छे से फोल्ड कर रहा हूँ, घोंसले के टाइप, चिड़ी का घोंसला रहता है ना, उसे घोंसले के टाइप घास को दबा कर फोल्ड कर रहा हूँ। ऊपर से ये वाला डस्ट है, ये डस्ट को डाल रहा हूँ ताकि घास के अंदर अंडे नहीं फंस गए। जैसा जितना आप घास को दबाओगे, ऊपर से डस्ट डालोगे तो अंडे नहीं फंस जाते। उसके ऊपर ये टाट का बोरी, थैला बोलते क्या बोलते ऐसे का एक ले लिया मैं, ले लेके इसके अंदर मैं इस तरीके से जमा रहा हूँ ताकि इसके ऊपर अभी अंडे रखेंगे हम। अभी पास से देखो किस तरीके से रेडी हो गया है। अभी और भी पास से मैं ये टायर भी आपको रेडी करके दिखाने वाला हूँ। घास सबसे पहले टायर रख के मैं घास इस तरीके से डाला, इसको देखो कैसा दबाता मैं, फोल्ड राउंड ऐसे करना, क्योंकि बहुत सारे भाई क्या गलती करते बोल तो, घास डाले जब उसको घास को दबाते नहीं अच्छे से, नहीं दबाए तो क्या होता बोल तो, घास के अंदर तलक अंडे चले जाते, फंस जाते। तो इसीलिए ऐसा फोल्ड करना जैसे मैं दबा रहा हूँ घास को, ऐसे दबाओ। दबा के आपके पास रेती रहे तो रेती, नहीं रहे तो मिट्टी तो भी डाल सकते हैं आप, भूसा भी डाल सकते हैं। तो ऐसा भी हमारे पास डस्ट है तो मैं डस्ट डाल रहा हूँ टायर में घास के ऊपर, तो डाल कर इसको भी दबाना। ठीक है, अभी देखो कैसे थोड़ा राउंड करिए, आप एकदम लेवल रहे तो अंडे उधर इधर चले जाते, इसीलिए थोड़ा राउंड कर मैं दबा रहा हूँ। दबा कर अभी इसके ऊपर फिर टाट का थैला डालते हैं। अभी टाट के थैले पे रिजल्ट कैसा आता है देखते हैं। इसी तरीके से आप टाट का थैला नहीं रहते भी अंडे बिछा देकर मुर्गी को बिठा दे सकते हैं। अभी देखो हम क्या करते हैं, अभी ये थैला ले लिया मैं, ले लेके ऐसा बिछा दे रहा हूँ। ये बिछा कर थोड़ा सा थैले को सेट कर दूंगा मैं ताकि मुर्गी बार बार खाने के लिए और पानी पीने के लिए उठे जब, ये थैला उड़ ना जाए। तो इसीलिए मैं अभी इस तरीके से रेडी कर दिया। अभी ये वाले अंडे हैं मेरे पास, ये अंडों को क्या करता मैं अभी जल्दी जल्दी से इसमें बिठा देता। बिठाते समय अंडों को चेक करिए कहीं क्राक तो नहीं है, थोड़ा सा फूटे हुआ तो नहीं है अंडा। तो क्योंकि मुर्गी जब देती है अंडा, अगर ज़मीन पे दे दी या कहीं और दे दी तो थोड़े क्राक्स आने के चांसेस रहते हैं, तड़े खाने के चांसेस रहते हैं। तो अभी मैं वो देख कर क्या कर रहा हूँ, बिछा दे रहा हूँ। कितने अंडे डालना स्टार्टिंग में, 15 से लेके 16-17 मुर्गी, अगर से मुर्गी के पंख बड़े हैं तो 18 अंडे तलक भी डाल सकते हैं। ऐसा डालकर मुर्गी को बिठा देना है। कैसा बिठाना, मुर्गी को पकड़ के लाके ये भी दिखा था, पूरा वीडियो देखिए, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे, भाई हमारी मुर्गी ठीक से बैठ रही नहीं है, नहीं तो ज़्यादा बच्चे नहीं निकाल रही, ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो इसीलिए आपके मुर्गियाँ ज़्यादा बच्चे निकालना बोली तो
मैं जैसे बता रहा हूँ वीडियो में सेम ऐसी करना। जो भाई मुझे रेगुलर फॉलो करके जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ वैसे देख लेते सीख कर कर रहे हैं ना, उनका फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ टाइम पास के लिए ऐसा देखे देख कर चले गए तो ऐसे भाइयों को थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसीलिए जैसे बताता वैसे करते जाओ देख लेते। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ बोलते, थोड़ा बड़े अंडे देख कर, अच्छे अंडे देख कर, नई फूटी सौ अंडे देख कर ये थैले के ऊपर बिछा दे रहा हूँ। छोटे अंडों को नहीं डाल रहा, छोटे अंडों को कहीं को नहीं डाल रहा बोलते, छोटे बच्चे निकलते हैं, छोटे बच्चे निकले जब उनकी इम्यूनिटी कम रहती, हल्लू धीरे धीरे से ग्रोथ होते हो लेते एक 8 दिन के होने के बाद, एक 15 दिन के होने के बाद उनकी मोर्टैलिटी होती, क्योंकि छोटे अंडों में से निकलती सो बच्चे क्या है ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, ज़्यादा जल्दी ग्रोथ भी नहीं आती है उनकी, इसीलिए छोटे अंडे मत डालिए। बाकी के अंडे मैं इस तरीके से अभी बिछा दिया हूँ दो टायरों को। तो सो ये टर्की भी अंडा देने वाली है लगता है, ये जगह ये बुट्टी में देती थी हमेशा। तो ये देखो इसको उठा दिया मैं अभी, ये वाली मुर्गी हमारी प्योर खुड़क बन गई, 2 दिन से देख रहा मैं, और यहाँ वाली मुर्गी भी बन गई, बट ये वाली टर्की ना उन दोनों को उठा दी थी। तो ये वाली मुर्गी को अभी कैंसिल कर रहे हैं हम, बाद में बिठाएंगे इसको कल या परसों। अभी तो हम किसको बिठाएंगे, ये दोनों मुर्गियों को बिठाएंगे। यहाँ पर देखो ये प्योर खुड़क हो गया है, पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ मैं, इसीलिए दो मुर्गियों को वो दो अंडों पर सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों अभी ये दो मुर्गियों को ला लिया हूँ मैं, वो वाले अंडों पे बिठाते हैं। बिठाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है, अभी ये दो मुर्गियाँ वो डब्बे में अंडे दिए ना वहीं पे बिठाए तो अच्छा बैठ जाते हैं, पर दूसरे मुर्गियाँ इनको डिस्टर्ब कर देते हैं वहाँ पे, इसीलिए हम ये जगह चेंज करके यहाँ पे बिठा रहे। तो इस तरीके से मुर्गियाँ ले लो, ये लेके एक टोकरा ऐसे रेडी कर लो जैसे बताया हूँ वैसा रेडी कर लेके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ छोड़ के ऊपर से टोकरा डालते, ये हो गया। उसके बाद दूसरा काम ये वाली मुर्गी को भी इधर, बट आपको ध्यान क्या देना है ये मुर्गियाँ खाए हुए रहना है। तो सो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर आया हूँ, 37 चूजे डाले थे ना हम, अच्छे है, बट क्या है थोड़े दिन मकई मिली इनको एक दिन। अभी तो हम ग्रोवर फीड लाए, दाल दिए, अभी घर के पास देखते हैं ये वाला 30 का बैच रहेगा, 30 चूजे रहेंगे प्योर ओरिजिनल देसी, यानी हमारे घर के मुर्गियाँ निकाल से ही बच्चे हैं ये। इनके लिए हम सुबह क्या करें, यहाँ पे पास में सब्ज़ी की मार्केट लगती है, बच गए के बाद लास्ट में सब्ज़ी की मार्केट ख़त्म होने के बाद इस तरीके की सब्ज़ी फेंक कर चले जाते हैं, जो वेस्ट सब्ज़ी होती है कीड़े वगैरह रहते हैं ना वो वाली, आप आराम से एक बैग लेके जाके इस तरीके से ला लेके डाल सकते हो। इससे क्या है प्रोटीन्स और मिनरल्स अच्छे से मिलेंगे मुर्गियों को, टमाटर खीरा तुरई गोपी का पत्ता और सब कुछ, पालक वगैरह सब कुछ खाते हैं मुर्गियाँ। तो यहाँ पर देख रहे हो ये वाले बैच में हमारे असील प्योर असील के रहते हैं कुछ, तो इनको भी हम सब्ज़ी और उसके साथ साथ ग्रोवर फीड और मकई ये इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के लिए। यहाँ पर इसमें 10 का बैच रहेगा, ये देखो इसमें दो मुर्गों का कलर सेम टू सेम है, एकदम भाई भाई है जैसा है, ये हमारी प्यारों इनके साथ ही रह रही है अभी। तो ये अंडे देना चालू हुआ, देखते हैं खुड़क कब बनेगी। ये वाला वाइट वाला मुर्गे को रखे हम इसमें, इसमें 2 दिन हुआ है हमारे खुड़क के, 5 मुर्गियों को रखे हम, कुछ ही दिन में मुर्गियों को खोलते हैं, कल ही खोलते, कल के वीडियो में नज़र आएगा आपको। एक 2 दिन हो गया यार, तो इसका खुड़क छूट जाएगा 2-3 दिन में या नहीं छूटेगा, कितने मुर्गियों का छूटेगा या दोबारा अंडों को कब आएंगे ये पूरे बताएंगे। ये देखो इनका कलर भी एकदम परफेक्ट है, किसी भी भाई को प्योर देसी या सिर्फ देसी चाहिए तो मिल जाते, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग कर ले सकते हो। तो एक बार बड़े वाले मुर्गियों को भी हम देख लेते कि बड़े वाले मुर्गियाँ भी अभी यहाँ पर से उनको भी सब्ज़ी दे दिए और खाने के तौर पे थोड़ा सा हम मकई भी दे दिए, मकई और ग्रोवर फीड इनको भी डब्बे में डाल दिया हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास 12 अंडे देने वाले मुर्गियाँ हैं, यही मुर्गियों के बच्चे हैं अभी तक जितने देखे अपन, वो वाले 5 महीने के कुछ बच्चे, 4 महीने के कुछ बच्चे ऐसे, और असील के हम बाहर से लाए हैं 13 या 15 16 असील के बच्चे रहेंगे। तो ये वाली भी खुड़क हो गई थी, हम इसको बाहर ला लिए, इसका भी खुड़क छुड़ाने के लिए वो मुर्गियों को बाहर निकाल के ये मुर्गियों को डालते हैं। अभी तो ये सारे के सारे परफेक्ट है, हमारी ये
पीलू और ब्लैक की सिल्वर कलर की मुर्गी है और वाइट कलर की प्योर देसी है दोस्त, ये कैगू रखा बोली तो। इनके जो बच्चे आते हैं वाइट कलर के आते हैं तो अपने सब्सक्राइबर भाइयों को बहुत पसंद बोले जैसा रखा हो, नहीं तो कलर कलर के रख सकते थे। तो यहाँ पर टमाटर बहुत ख्वाहिश से खाते। अभी मैं क्या लाया हूँ, टमाटर, तुरई, पालक और मेथी का पत्ता, ये सब्ज़ी के तौर पे। अगले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो नए।